होश नहीं आई ना तो यहाँ के बड़े डॉक्टर भी उसको बचा नहीं पाएंगे। तो जा, इसके इलाज के लिए पैसे लेकर आ। जल्दी करना। अरे सित्तू जी, मेरी गलत तो सुनो, एक मिनट रुको तो सही। सित्तू जी सुनो तो सही, गलत तो सुनो मेरी। सितारा अजी, कुल्फी कहाँ है? कुल्फी कहाँ गई मतलब? अरे कुल्फी तो आपके साथ गई थी ना पठानकोट गाना गाने के लिए, है? और क्या किया मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के साथ? अजी तुम्हारी लड़की वहाँ स्टेज पर बिना गाए ही चली गई। देखो जी नियालू जी, मैंने पहले ही कहा था अगर उसने वह गाना नहीं गाया तो मैं अपने पूरे पैसे वापस ले लूंगा। अरे हटा, अरे आपके पैसे वापस लोगे? अगर कुल्फी नहीं मिली ना तो मैं पैसे लूंगी, मैं। लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को। अरे चलो जी, मैं ले चलती हूँ ना तुमको कोतवाली। एक तो मेरी मुर्गी घुमाती, ऊपर से टैक 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 करे जा रहे हो। वो तो जी खुद ही भाग गई। अरे ऐसे कैसे भाग गई? और जी मुझे क्या पता मैं क्या करूँ उसमें। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। वो कैसे लोग हो तुम? केवल केवल पैसे की पड़ी है तुम लोगों को। एक 6 साल की बच्ची गुम हो गई है, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। इतनी रात को एक छोटी सी बच्ची, मेरी कुल्फी पता नहीं कितने गई होगी। मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं गायत्री, यहाँ रात भर जागकर पूजा करने वालों की माँ हर मनोकामना पूरी करती है। तुम्हारे बेटे की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। पर फल चाहिए तो तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। देख, ये जगराता इतना आसान नहीं है। इस पहर में पूरी श्रद्धा के साथ रात भर जागकर प्रार्थना करनी होगी तुझे। और सुन, तू एक झपकी भी नहीं ले सकती। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वही पावत है। माँ,
मुझे रास्ता मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया। आज ये बच्ची अपनी बीमार पार के पास नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी है? और जी तो उससे दौड़ाओ, जी दौड़ाओ। मुझे अच्छे से पता है कि कुल्फी निमृत के पास ही गई होगी। रब करे तेरी गल सच हो, अगर कुल्फी नु कुछ हो गया तो मैं निमोनू की जवाब देंगा। नहीं बोलो सच्चे दरबार की शेरावाली माता की जय। बोलो माता रानी की। माता रानी, मेरी माँ कहती है कि अच्छे बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए, पर आज मैं अच्छी बच्ची नहीं बनूंगी। आज मैं रात भर जाग के आपकी पूजा करूंगी। मेरी बात सुन लेना माता रानी, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे देना। ये देखो, रत्ती भर भी शर्म नहीं है इसे, तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि लालच बुरी बला है। अगर मांगना ही है ना तो माता रानी से अपने लिए थोड़ी सी बुद्धि और थोड़ी सी शांति मांग। जो चीज मेरे पास पहले से वो वापस क्यों मांगू? मांगा तो वो चाहते है जो अपने पास ना हो। अगर बुद्धि और शांति मांगे तो आप मांगे ना, मैं तो पैसे मांगूंगी। अब आप ही बताइए जोड़े वाली चाची, अगर मांगूंगी नहीं तो माता रानी को कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए? और आप भी ने तो कहा था कि यहाँ रात भर जाग के पूजा करने से माता रानी मन मांगी मुराद पूरी करती है। ये गरीबों से मुझे बहुत चिढ़ है, इनके माँ बाप इन्हें भीख मांगना सिखाते हैं, मेहनत करना नहीं। मेरी माँ बहुत अच्छी जुड़े वाली चाची, और वो मुझे भीख मांगना नहीं मेहनत करना सिखाती है। और अगर चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं पर इतनी जल्दी मुझे उतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जितनी माँ के इलाज के लिए और दवा के लिए चाहिए होंगे। रोहित जी आप इसकी बातों में मत आइए, एक तो यहाँ हमारे जागरण का समय हो रहा है, ऊपर से आ गई पूजा में विघ्न डालने। पूजा वाले चाचू, एक तो मुझे ये भी नहीं पता कि विघ्न क्या होता है और मुझे वो डालना भी नहीं आता। दूसरा, अगर मैं आप सबके जगराते कराने में मदद करवाऊंगी तब तो मैं पूजा कर सकती हूँ ना। और तू ऐसा करेगी कैसे? मैं सारी रात गाना गाऊंगी बिंदी वाली चाची, और आप एक पल के लिए भी चुपकी नहीं ले पाओगे। और अगर आप सबका जगराता सही हुआ, आपकी माता रानी से सीधी बात हो गई, तब तो आप मुझे गाने के पैसे दोगे ना। मैंने जाहिर कर लिया है। की होया पुत्र, और क्या तय कर लिया है आपने? मैंने डिसाइड कर लिया है कि ताऊजी मुझे म्यूजिक सिखाएंगे। नन्ना हमेशा कहती है ना कि आपने दादा को सिखाया है, और दादा बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो मुझे लगा किसी और से सीख के अपनी लाइफ ओवर करवाने से अच्छा है कि किसी ऐसे टीचर से सीखूं जिसने किसी सुपरस्टार को सिखाया, इसलिए आप मुझे सिखाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपके ताऊ जी आपको संगीत जरूर सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम तो हमेशा कहती है कि वर्ल्ड में कोई भी किसी के लिए कुछ भी फ्री में नहीं करता। दुनियादारी सीखने की तेरी उम्र नहीं है मेरी गुड़िया। मेरी एक गल सुन, जो बाहर वाले होते हैं ना अपने मतलब के खातिर कुछ भी करते होंगे, लेकिन घर वाले तो अपने होते हैं ना, और अपने अपनों के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए, आप मुझे सिखाएंगे? अगर मैं आपके पैसे नहीं भी दूंगी तब भी? मैं मेरी बेटी को जरूर सिखाऊंगा, वादा करता हूँ। सुपर, कल से स्टार्ट करते हैं, स्कूल के बाद मिलते हैं, बाय।